का पहला सोमवार है और शिव मंदिरों में भक्तों की लंबी कतार लगी हुई है। भक्त बम बोले के जयकारों के साथ महादेव घाट के हटकेश्वर महादेव मंदिर पहुंच रहे हैं और इसके अलावा राजधानी के अलग अलग शिव मंदिरों में बड़ी संख्या में श्रद्धालु जुटे हुए हैं। गोल बम किनारों के साथ पूरा मंदिर परिसर गूंज रहा है। सावन के पहले सोमवार महादेव घाट स्थित भगवान हटकेश्वर नाथ का विशेष श्रृंगार भी किया गया। पहले सोमवार में महादेव घाट स्थित हटकेश्वर नाथ मंदिर में सुबह से ही जो श्रद्धालुओं की भीड़ है वो यहाँ पर लगी हुई है। बड़े दूर दूर से जो श्रद्धालु है वो यहाँ पर पहुँचते हैं और इसी वर्ष नहीं, हर साल सावन के महीने में इस तरह की जो लंबी कतारें हैं वो मंदिर में देखने को मिलती है। जो ये जो नज़ारा यहाँ पर देखने को मिल रहा है ये सुबह से चालू है और शाम तक इसी तरीके की जो भीड़ है वो मंदिर में देखने को मिलेगी। मान्यता काफी है इस हटकेश्वरनाथ मंदिर की, बड़े दूर दूर से लोग यहाँ पर पहुँचते हैं और अपनी मनोकामना लेकर आते हैं और मनोकामना उनकी यहाँ पर पूरी होती है। मंदिर का काफी इतिहास है, मंदिर 1000 साल से भी ज्यादा पुराना माना जाता है। कुछ श्रद्धालु उनसे हम बात करते हैं। भैया आप बताइए कितने सालों से आ रहे हैं आप? मैं तो बचपन ही है। कितनी श्रद्धा है भगवान के प्रति? वो तो मैं नहीं बता सकता। कितने सालों से आ रहे हैं? एक साल से। कितनी मान्यता है इस मंदिर की? मान्यता तो साल होता है। क्या मनोकामना लेकर आते हैं, पूरी होती है यहाँ? हाँ सर, पूरी होती है। वो भगवान हटकेश्वर नाथ के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। यह पहला सोमवार है और सावन के पहले सोमवार में ही जो श्रद्धालुओं की भीड़ है वो देखने को मिल रही है और यहाँ हटकेश्वरनाथ मंदिर में लगातार कई तरह के आयोजन यहाँ पर किए जाते हैं और हमेशा से ही यहाँ पर श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रहती है। कैमरामैन रेख राम के साथ हेमंत शर्मा सुरार।